अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वी आर हियर। सो जैसे कि हमारी माशाल्लाह से ऑनलाइन बैच जो 15th बैच फॉर सखर आईबी यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन, वो कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। मतलब कल से मुराद के मंडे से। सो मंडे से हमारी क्लासेस माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुकी हैं और 2-3 क्लासेस उनकी चल भी चुकी हैं। एंड फिज़िकल क्लासेस भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो चुकी है हमारी। फिज़िकल जो हमारी सखर में क्लासेस होती हैं, स्पेशली इस कोर्स में हम लोग जो है वो सखर आई बी ए यूनिवर्सिटी की तैयारी करवा रहे हैं, डायरेक्ट इसकी तैयारी करवा रहे हैं। मगर दोनों प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे पास। एक फ़िज़िकल होता है जो कि हम लोग सखर में तैयारी करवा रहे होते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम सखर सिटी, मतलब ओबियसली सिटी। एंड जो लोग मतलब हॉस्टलर होते हैं या फॉर बाहर से आके यहाँ पे पढ़ना चाह रहे होते हैं, उनके लिए भी हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे होते हैं, जैसे कि फीमेल्स स्टूडेंट हमारी ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि जो कि घर से घर के बाहर उनका एक ऐसा इन्वायरमेंट बन नहीं पा रहा होता कि भाई 2-3 महीने के लिए कहाँ जाएँ वो, और ऑब्वियसली उनके लिए एक इन्वायरमेंट का होना या फॉर सपोज सिक्योरिटी का होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है और ऑनलाइन क्लासेस माशाल्लाह से बहुत अच्छी चली और अभी 15th बैच हमारी चल रही है। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि हम लोगों ने 16th बैच की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गई है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 15th of June है। एक क्लास हमारी चल चुकी हैं, दूसरी क्लासेस जो है हमारी इंशाल्लाह 15th June के बाद डायरेक्ट चलेंगी और 15th June तक हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अब उसी में क्या है कि आप लोगों के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, GK एंड IQ, ठीक है, अगर आप लोग फॉर सपोज़ IBA में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद आप लोग डिपार्टमेंट चूज़ कर रहे हैं मैथ्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम के अलावा जो भी डिपार्टमेंट हैं वो अगर आप लोग चूज़ कर रहे हैं, तो ओबियसली उनमें टेस्ट जो है मैथ्स, इंग्लिश, IQ एंड GK आती है, तो उनके लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप लोगों का डिपार्टमेंट मैथ्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम है, आप लोगों के लिए हम लोग तैयारी नहीं करवा रहे। इसलिए नहीं करवा रहे कि आप लोगों के पास फिज़िक्स भी होता है एंड मैथ्स जो होती है वो आपकी बहुत एडवांस होती है, ठीक है। ऑब्वियसली उसके लिए हमारा एक अलग से सेटअप होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी तक वो नहीं किया है। इफ़ यू आर फ्रॉम दैट, आप हमसे गाइड ले सकते हैं, हम लोग गाइड आप लोगों को कर सकते हैं आराम से, मगर उसकी तैयारी प्रॉपर जो हम इनको करवाते हैं वो तैयारी आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। सो गाइस, सो माशाल्लाह से जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑब्वियसली ज़्यादातर आप लोगों में से क्लासेस लेते भी हैं और ले भी चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह IBA में यहाँ पे 5th-6th सेमेस्टर में जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर दी बेनिफिट्स? बेनिफिट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, एंड उसके बाद जो है आप लोगों को इन्वायरमेंट बहुत 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 फन लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट का कोई ऐसा, ऑब्वियसली ऑनलाइन लर्निंग में कुछ जहन ऐसे हमारे बने हुए होते हैं कि जे भाई ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बोरिंग होती है, नहीं, ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो क्लासेस को बोरिंग बनाता है या क्लासेस को फन लर्निंग बनाता है, ठीक है। तो क्लास का इन्वायरमेंट जो है वो टीचर के बाद मतलब डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करता है कि हाउ ही और शी इंगेज स्टूडेंट्स इन फन एक्टिविटीज़ ना। सो इसके बारे में आप लोग परेशान ना हो कि ऑनलाइन लर्निंग कैसे होगी। सो दूसरा फ़ायदा आप लोगों का ये होगा कि आप लोगों की जो तैयारी है उसकी श्योरिटी है हमारे पास। श्योरिटी क्या है? अगर आप लोग क्लासेस रेगुलर वाइज लेते हैं और कोई क्लास मिस नहीं करते, ऑब्वियसली माशाल्लाह से पिछली जो मतलब डायरेक्टिव्स गुजरी है वहाँ भी हमारी जो हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो 95% प्लस सक्सेस रेशियो है। सो ऑब्वियसली इतना सक्सेस रेशियो है तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसा नहीं है कि ऐसे छोड़ नहीं देते स्टूडेंट्स को, और डेली वर्कशीट देना, डेली लेक्चर्स प्रोवाइड करना, डेली हर चीज़ पे उनको किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना ताकि उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो सके। क्रिएटिव लर्निंग करवाते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका है तो ऑब्वियसली पैटर्न आगे IBA जो है वो ऑब्जेक्टिव देती है, तो हम लोग वे भी ऑब्जेक्टिव अप्लाई करते हैं, सब्जेक्टिव अप्लाई नहीं करते। एंड उसके बाद जो है ऑब्वियसली 40 days का कोर्स है, और उसके बाद सबसे मेन फ़ायदा आप लोगों का ये है इस कोर्स की फ़ी बहुत कम है। फ़ी इसलिए है कि जैसे कि पिछली क्लास की 7000 रखी, एंड पहले हमारी 12000 रखी थी, एंड देन फिर 7000, अभी पूरे कोर्स की हम लोग जो फ़ी रख रहे हैं दैट इज़ जस्ट 4000 rupees। सब्जेक्ट के हवाले से 40 days का कोर्स है, एक पर सब्जेक्ट जो फ़ी है वो 1000 rupees है। अब हमारी अकेडमी ऑब्वियसली जिस लेवल के हम लोग इंगेज करवा रहे थे आप लोगों को, उस लेवल से अगर हम लोग आप लोगों को फ़ी आप लोगों से लेना स्टार्ट कर दें तो ऑब्वियसली पर सब्जेक्ट 1000 नहीं, ये बहुत आगे बढ़ा जाएगा। तो ऑब्वियसली आई थिंक इट इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड ये हर किसी के लिए रीज़नेबल भी है ना। एंड अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट
यतीम हैं और उनको ऑब्वियसली उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है. यू मे कॉल अस एंड यू मे व्हाट्सएप अस एंड इंशाल्लाह देयर विल बी फ्री प्लेटफॉर्म फॉर यू यतीम बच्चों के लिए. ठीक है. सो गाइज इस अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें. घर बैठ के कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप सक्कर से नहीं हैं, किसी और सिटी से हैं, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है. पहली बात तो ये है. अब घर बैठ के अगर 4G इंटरनेट आपके पास थोड़ा बहुत मजबूत है, कनेक्शन जो है, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपके पास थोड़ा बहुत भी मजबूत है, तो हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि भाई आप लोगों की ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बेस्ट हो जाती है. ठीक है. एंड इसकी लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दिया है. एंड टीचर्स जो हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को ये जहन में एक सवाल आता है कि टीचर्स कौन से हैं, मतलब कौन से हैं. मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से. लगभग मेरी 22 बैचेस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. फिजिकल में बैचेस जो है वो 6 चल रही है, 16th अभी बैच चलेगी, मतलब 15th बैच अभी चला रहे हैं हम लोग. तो 21-22 बैचेस जो हैं चलाने पढ़ाने का मेरे पास एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ऐसा, ऑब्वियसली ऐसी मेरी फ़िलासफ़ी है टीचिंग फ़िलासफ़ी की कि वो मतलब उसी में टीचिंग में मेरा ऑब्वियसली फ़न क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस रहा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मेरा यही मतलब ख्वाहिश है कि लर्निंग को जो है वो फ़न लर्निंग बनाया जाए, ना कि बोरिंग लर्निंग बनाया जाए. और माशाल्लाह से इंग्लिश और GK की IQ के जो टीचर्स हैं हमारे, वो भी बहुत माशाल्लाह एक्सपीरियंस हैं. और वो सारे के सारे हम लोग IBA के ग्रेजुएट हैं. सबसे पहली बात ये है, मतलब कोई अंडर ग्रेड है, सीनियर स्टूडेंट्स हैं. ग्रेजुएशन का मतलब होता है 2 ईयर्स कंप्लीट होना, तो ग्रेजुएशन हो जाना. ठीक है. और 4 ईयर्स जो है वो बैचलर्स होती है. सो बैचलर्स हमारी कंप्लीट, मेरी स्पेशली कंप्लीट होने वाली है. और दूसरे टीचर्स जो है उनकी बैचलर्स भी कंप्लीट है. सो गाइस माशाल्लाह से, क्योंकि हम लोग IBA से हैं कि वी नो के टेस्ट कैसे आती है, वी नो के टेस्ट कंडक्ट कैसे करी जाए, पैटर्न कैसे आना है, और सिलेबस क्या देना है, कौन सा सिलेबस आपको देना है, कौन सा नहीं देना है, कौन सा रास्ता बताना है, कौन से रास्ते से आप लोगों को बचाना है. सो ये सारी चीज़ें हम लोग दे रहे होते हैं बिकॉज़ वी नो कि आप लोगों को टेस्ट कैसे, किस पैटर्न से आनी है. और सारे पैटर्न आप लोगों को भेज भी रहे होते हैं, वीकली टेस्ट निकाल रहे होते हैं, सारी असेसमेंट आप लोगों की इंडिविजुअल हो रही होती है. सो गाइज डोंट वेट फॉर लास्ट डेट. सो प्लीज़, अच्छा हमारे पास सीट्स भी लिमिटेड होती हैं. मैक्सिमम सीट्स हमारे पास 50 होती हैं. ठीक है. सो 50 सीट्स से पहले आप लोग ऑब्वियसली अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी होती है तो प्लीज़ डोंट रश फॉर लास्ट डेट. लास्ट डेट पर ना जाए, उससे पहले आप लोग आएँ रजिस्ट्रेशन लें, ताकि हम लोग वे आदमी क्लोज़ कर लें ना. 50 सीट्स होने के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ कर देंगे. सो गाइज विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड होप सो के यू विल बी देयर. एंड इंशाल्लाह अगर आप लोग वहाँ पे आएंगे, सो विल मीट यू इन ऑनलाइन क्लासेस. थैंक यू सो मच.